अपने जीवन काल में कोई चमत्कार नहीं किया। अंधश्रद्धा, तृष्णा, अहंकार, राग लोभ, द्वेष से मुक्त होने के लिए चार आर्य सत्य, त्रिशरण, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग व दस पारमिता का मार्ग दिखाया। ईश्वर की जगह नैतिकता को स्थापित किया। सबके मंगल के लिए धम्म स्थापित किया। वे दुनिया बनाने वाले तथाकथित ईश्वर नहीं थे, मगर ईश्वर से भी अच्छे प्रभावशाली इंसान थे। आज विश्व में भारत का जो भी सम्मान व आदर होता है, उसका श्रेय तथागत गौतम बुद्ध को जाता है। इस महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध में ऐसी क्या बात थी जिसके कारण आज भी हम उन्हें नमन करते हैं। यह स्थान शाक्य वंश की राजधानी कपिल वस्तु के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन यहां के राजा थे। सिद्धार्थ गौतम का बचपन यहीं बीता था। भारत नेपाल सीमा पर पीपरहवा से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, लुम्बिनी से 24 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम पर यह स्थित है। यही कपिल वस्तु स्थान था। यहां खंडित दीवारों के टीले आसानी से देखे जा सकते हैं। कपिल वस्तु से प्राप्त अवशेषों से भगवान के प्रारंभिक जीवन का पता चलता है। कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ। एक दिन सुमेध नामक बोधिसत्व माता महामाया के स्वप्न में आए और उन्होंने प्रश्न किया, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है, क्या आप मेरी माता बनेंगी? रानी महामाया ने प्रसन्नता से स्वीकृति दी। इस अद्भुत स्वप्न की चर्चा राजा शुद्धोधन ने स्वप्न विद्या में प्रसिद्ध 8 पंडितों से की। उन्होंने राजा को स्वप्न का अर्थ बताते हुए कहा, महाराज आपके यहां पुत्र होगा, यदि वह घर में रहा तो चक्रवर्ती सम्राट होगा, यदि संन्यास्त हुआ तो बुद्ध बनकर समस्त संसार को मार्गदर्शन देगा। उस जमाने में प्रसव के लिए मायके जाने का रिवाज था। रानी महामाया कहारों के कंधों पर ढोए जाने वाली पालकी में देवदह के लिए रवाना हुई। देवदह जाने के लिए लुम्बिनी वन से गुजरना पड़ता है। उस जमाने में यहां शाल वृक्षों का उद्यान वन था। माता महामाया का जब यहां आगमन हुआ तो सारा निसर्ग प्रफुल्लित था। वृक्ष फूल और फलों से लदे थे। उस वातावरण ने माता महामाया को प्रभावित किया। वे पालकी से उतरकर शाल वृक्ष की ओर बढ़ी, एक शाखा को पकड़ा। अचानक उन्हें प्रसव वेदना प्रारंभ हुई और 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ गौतम ने जन्म लिया। बुद्ध के आगमन का स्वागत समस्त ब्रह्मांड ने किया। भगवान बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी नेपाल की तराई में नेपाल सीमा से लगभग 10 किलोमीटर भैरहवा जिले में है। इसका वर्तमान नाम रुम्मिनदेई है। तथागत बुद्ध की याद में सम्राट अशोक ने इस अशोक स्तंभ का निर्माण किया। इसमें लगा पत्थर चुनार का है। इसकी ऊंचाई 24 फुट 3 इंच है। इस पर सम्राट अशोक का अभिलेख खुदा हुआ है। इस स्तंभ के उत्तर पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर ईंटों के ये दो स्तूप हैं। अशोक स्तंभ की कुछ दूरी पर एक आधुनिक विहार बना है। यह लुम्बिनी की संरक्षक देवी का मंदिर है। इसे रुम्मिन देवी के नाम से जाना जाता है। यह प्रतिमा भगवान बुद्ध के जन्म को दर्शाती है। माता महामाया दाहिने हाथ से पेड़ की शाखा पकड़े हुए हैं। यह तालाब
विहार के दक्षिण में है। यह वही तालाब है जहां भगवान की माता ने प्रसव पश्चात स्नान किया था। इस तालाब के उत्तर पूर्व की ओर ईंटों के अनेक खंडहर हैं। यहां पहले कभी छोटे स्तूप हुआ करते थे। इनमें से 6 स्तूप पूर्व से पश्चिम की तरफ एक पंक्ति में हैं। माता महामाया नवजात बालक के साथ कपिल वस्तु आई। 5वें दिन नामकरण संस्कार करके बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ अर्थात जिसके सारे अर्थ सिद्ध हो गए, सफल हो गए। गोत्र गौतम होने के कारण जनसाधारण में वे सिद्धार्थ गौतम के नाम से प्रसिद्ध हुए। बालक सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद अचानक माता महामाया गंभीर रूप से बीमार पड़ी और चल बसी। उसके बाद उनका पालन पोषण महाप्रजापति ने किया। वयस्क होने पर उनका विवाह दंडपाणी नामक शाक्य की पुत्री यशोधरा से हुआ। सिद्धार्थ गौतम व यशोधरा के घर बेटे ने जन्म लिया। उसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ गौतम शाक्य संघ के सदस्य थे। शाक्य राज्य से सटा कोलियों का राज्य था। रोहिणी नदी दोनों राज्यों की विभाजन रेखा थी। नदी के पानी से दोनों राज्यों की खेती में सिंचाई होती थी। जल के हिस्से को लेकर दोनों राज्यों में विवाद खड़ा हुआ था और यह निश्चित हुआ कि युद्ध द्वारा विवाद को निपटाया जाए। युद्ध के निर्णय के लिए शाक्य संघ द्वारा अधिवेशन बुलाया गया। सिद्धार्थ गौतम ने युद्ध का विरोध किया और कहा, दोषी कौन है इसे समझें। सिद्धार्थ गौतम की बात को गहराई से समझे बगैर उन्हें ही बहुमत से दोषी ठहराया गया और दंड के तौर पर उन्हें शाक्य राज्य से निकाल दिया गया। सिद्धार्थ गौतम ने माता पिता व पत्नी यशोधरा से विचार विमर्श कर उनके गृह त्याग के दंड को स्वीकार करने से शाक्यों ने कोलियों से युद्ध करने के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। यही सिद्धार्थ गौतम का महाभिनिष्क्रमण था। सन्यास्त होने के बाद आचार्य आलार कलाम व उद्दक रामपुत्र द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद सिद्धार्थ गौतम का आवागमन से छुटकारा नहीं हुआ था। जन्म व मरण से संबंधित अनेक प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले थे, इसलिए अब उन्होंने अकेले साधना करने का निश्चय किया। पश्चिम दिशा से आते हुए निरंजना नदी पार करके वे धान के खेतों से ढुंगेश्वरी पर्वत तक पहुंचे। इसे उस जमाने में दंगश्री पर्वत कहा जाता था। यहां की गुफा में वे रागातीत अवस्था प्राप्त करने के लिए घने जंगल में एकांत में शरीर पीड़न तप करने लगे। उनके 5 अन्य साथी वहीं पर अलग साधना करते थे। आत्मपीड़न तप करते वक्त सिद्धार्थ गौतम ने शरीर को अत्यधिक कष्ट दिए। कई दिनों तक भोजन से विरक्त रहे। इसके कारण वे और उनके 5 सन्यासी साथी कृशकाय दुर्बल हो गए। शरीर क्षीण होने व दुर्बलता के कारण हड्डियां झलकने लगी। अचानक उन्हें लगा कि शरीर और चित्त एक ही अस्तित्व के अंग है, अतएव शरीर से अत्याचार करना चित्त से भी अत्याचार होगा। तब उन्होंने संकल्प किया, स्वास्थ्य संभाल कर मन की साधना करेंगे। चलकर वे स्थान पर नदी में दोपहर को स्नान करने आए और उरुवेला ग्राम की ओर प्रस्थान करने लगे। थोड़ी दूर पहुंचे थे कि उनकी सांस उखड़ गई, वे बेहोश हो गए। तभी इसी सेनानी नामक गांव की ग्वाला पुत्री सुजाता को उसकी मां ने दूध खीर लेकर वन देवता को अर्पण करने भेजा था। सुजाता के साथ उसकी दासी पूर्णा भी थी। जब सुजाता ने तथागत को वट वृक्ष के नीचे अर्ध बेहोशी की हालत में देखा, तब उन्हें पानी
एवं कटोरा भर दूध पिलाया। इससे उनमें शक्ति आई, वे उठकर बैठे। फिर उन्होंने खीर ग्रहण की। शरीर पीड़न तपस्या त्याग कर सिद्धार्थ द्वारा भोजन ग्रहण करने की बात जब उनके 5 साथी सन्यासियों को पता चली तो वे उन्हें छोड़कर चले गए। यही वह स्थान है जहां सुजाता ने खीर दान किया था। सुजाता बकरौर ग्राम के श्रेष्ठी की पुत्री थी। यहां भगवान की दुर्बल काया की मूर्ति स्थापित है। वैसे ही सुजाता के साथ पूर्णा नामक दासी रहती थी, उसकी भी यहां मूर्ति स्थापित की गई है। सुजाता कुटी से थोड़ी दूर नदी किनारे ये बुद्ध विहार है। यह वह स्थान है जहां सिद्धार्थ गौतम ने सुजाता द्वारा दी गई खीर ग्रहण कर भावी बुद्धत्व की परीक्षा के लिए थाली नदी में प्रवाहित की थी। तथागत बुद्ध को बोधिसत्व अवस्था में अन्नदान करने वाली सुजाता बौद्ध इतिहास का अभिन्न अंग बन गई। बाद में सुजाता व उसके पुत्र यश ने बुद्ध संघ में प्रवज्ञा ग्रहण की। सुजाता की याद में इसी स्थान पर एक स्तूप बनवाया गया। यहीं पर कभी सुजाता का महल हुआ करता था। चीनी बौद्ध यात्रियों ने इस स्थान का उल्लेख गंधवस्ती स्तूप के नाम से किया है। यहां पर उत्खनन के दरमियान धातु के टुकड़े मिले हैं। उस पर देवपाल राजस्य सुजाता गृह लिखा है। इससे सिद्ध होता है कि यह स्तूप देवपाल राजा के शासनकाल में बनाया गया था। बोधगया के पास फाल्गु नदी की सहायक उपनदी को निरंजना नदी कहा जाता है। यह बौद्ध साहित्य में प्रसिद्ध नदी है। इसका उद्गम हजारीबाग जिले में सिमेरिया के समीप है। इस नदी के पश्चिम में बोधगया स्थित है। प्राचीन भारत की मूल निवासी नाग जाति इसके किनारे बसी थी। क्षोत्रिक नामक घसियारा नदी किनारे जब पहली बार सिद्धार्थ गौतम को मिला तो वह उनसे बड़े गहरे लगाव का अनुभव करने लगा। इतना प्रसन्न व्यक्तित्व उसने पहले देखा नहीं था। अपनी प्रसन्नता जाहिर करने के लिए उसने सिद्धार्थ को उपहार देने की इच्छा की। सिद्धार्थ गौतम ने काटे हुए कुश घास के ढेर की ओर संकेत किया और कहा, यह घास नरम है और अगर तुम मुझे दोगे तो मैं ध्यान के लिए आसन बनाऊंगा। सिद्धार्थ ने दोनों हाथ पसार कर क्षोत्रिक का उपहार इसी स्थल पर ग्रहण किया था। तथागत व क्षोत्रिक की याद में यह कुशा घास विहार निर्मित किया गया है। निरंजना नदी पार करने के बाद बकरौर ग्राम के पास छोटे चबूतरे पर यह स्थान है। इस स्थान से सिद्धार्थ गौतम ने ध्यान साधना के लिए उरुवेला की ओर प्रस्थान किया। सिद्धार्थ गौतम की बुद्धत्व प्राप्ति के बाद क्षोत्रिक घसियारा संघ में सम्मिलित हो गया। यहां आकर वे पीपल अर्थात बोधि वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। तब तक संध्या हो चुकी थी। पहले शरीर और चित्त के ध्यान के प्रयोग करने के कारण सिद्धार्थ गौतम का चित्त शरीर व श्वसन एकाकार हो गए। सजगता के दीर्घ अभ्यास के कारण चित्त सूक्ष्म व केंद्रीभूत हो गया था। गहन समाधि अवस्था का अनुभव उन्हें पहले से था। अब वे परम समाधि की गहराई में उतरे। उन्होंने देखा कि जिसका निर्माण होता है वह नष्ट होता है। कैसे प्राणी जन्म व मृत्यु की श्रृंखला से गुजरता है, जीवन कैसे सागर की लहरों जैसा है। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, मगर सागर का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। सिद्धार्थ गौतम ने जन्म मरण के पार की अनुभूति का साक्षात्कार किया। ठीक इसी क्षण
आकाश में घनघोर गर्जन हुआ। सिद्धार्थ गौतम ने अपनी चेतना के सहारे जाना, प्राणी कष्ट क्यों पाते हैं, अज्ञान का कारण क्या है, लोभ तृष्णा अहंकार से क्या हानि होती है, दुख का निवारण कैसे करें, इसके रहस्य को जाना। बाद में तथागत ने इसे चार आर्य सत्य कहा। तत्पश्चात ध्यान की गहन अवस्था में सिद्धार्थ गौतम को लगा कि जन्म जन्मांतर की त्रासदी से मुक्ति लाभ होकर आनंद की वर्षा हो रही है। उनकी दुनिया बदल गई। वे सिद्धार्थ गौतम से सम्यक संबुद्ध हुए। असीम करुणा का उदय हुआ। सम्यक संबुद्ध होने के बाद प्रतिदिन बुद्ध निरंजना नदी में स्नान करते, नदी किनारे स्थान पर चलित ध्यान साधना करते। बुद्ध होने के पहले का उनका जीवन अब बदल चुका था। उन्होंने सद्धम्म मार्ग खोज लिया था। बोधि प्राप्त करने के बाद पहला सप्ताह इसी बोधि वृक्ष के नीचे भगवान ने बिताया। यह बोधि वृक्ष महाविहार के पश्चिम में है। इसकी एक शाखा श्रीलंका के अनुराधापुर में है। बोधि वृक्ष व महाविहार के मध्य यह वज्रासन है। यह लाल प्रस्तर का बना हुआ 7 फुट 6 इंच लंबा व 4 फुट 3 इंच चौड़ा है। यह तथागत का साधना स्थल है। वज्रासन के संबंध में चीनी यात्री युआन चुआंग ने लिखा है कि यह स्थान विश्व के मध्य भाग में स्थित है। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद दूसरा सप्ताह भगवान ने यहां साधना रत व्यतीत। इस स्थान पर अनिमेश लोचन स्तूप बनाया गया है। वे अब इतनी आनंदमय अवस्था में थे कि वे बोधि वृक्ष को अपलक निहारते रहे। भगवान ने तीसरा सप्ताह चंक्रमण करते हुए व्यतीत किया। यह चंक्रमण स्थल का चबूतरा 53 फुट लंबा, 3 फुट 6 इंच चौड़ा एवं 3 फुट ऊंचा है। भगवान के चरणों के निशान प्रदर्शित करने के लिए कमल के फूल बनाए गए हैं। चौथा सप्ताह भगवान ने इस जगह बिताया। इसे रत्नगृह के नाम से जाना जाता है। यहां ध्यान मग्न अवस्था में भगवान की एक प्रतिमा है। पांचवा सप्ताह यहां अजपाल निग्रोध वृक्ष के नीचे भगवान ने बिताया। यहां एक सप्ताह भगवान बोधि प्राप्ति के बाद ध्यान अवस्था में रहे। छठा सप्ताह भगवान ने मुचलिंद झील के निकट मुचलिंद वृक्ष की छांव में व्यतीत किया। इतिहास ये कहता है कि मार द्वारा तूफान व वर्षा से उनकी समाधि में व्यवधान डालने पर झील के तल में रहने वाले नागराज ने भगवान पर 7 वनों की छाया कर दी। परंतु सत्य यह है कि वहां बसने वाली तत्कालीन नाग जाति के लोगों ने भगवान को संपूर्ण सहयोग दिया था। वो उनके धम्म को समर्पित हुए थे। ठीक 42 दिन के बाद सातवां व अंतिम सप्ताह यहां भगवान ने व्यतीत किया। इसे राजायतन वृक्ष कहते हैं। आप जिस वृक्ष को देख रहे हैं, यह वृक्ष 60 वर्ष पूर्व बर्मा से लाया गया था। इसी स्थान पर उत्कल अर्थात उड़ीसा के रहने वाले दो व्यापारी तपस्सु व भल्लिक को बुद्ध व धम्म की शरण भगवान ने दी। इन उपासकों ने भगवान को मधुपिंडक का भोजन दिया था। वे बुद्ध के पहले उपासक शिष्य थे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध की देशना से प्रभावित होकर यहां महाविहार और मुचलिंद झील के मध्य स्तंभ स्थापित करवाया था। अत्यंत प्राचीन काल से इस महाबोधि महाविहार का स्वरूप इसी तरह बचा हुआ है। यह महाविहार
170 फुट ऊंचा व आधार में 50 फुट चौड़ा है। इसका आकार पिरामिड की तरह है। विहार के गर्भगृह के लिए रोशनी का झरोखा है। विहार नीली ईंटों का बना है, उन पर लेप किया गया है। मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों आलों में बुद्ध प्रतिमाएं हैं। गर्भगृह में भगवान की भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति स्थापित है। भगवान की शांत व करुणामय छवि के दर्शन के लिए विश्व भर के बौद्ध यहां आते हैं। दंगश्री पर्वत पर शरीर पीड़न तप, निरंजना नदी के किनारे बेहोशी की अवस्था में सुजाता द्वारा खीर का दान, ये वही स्थान है जहां कभी बुद्ध भ्रमण किया करते थे। यहीं से हम देख रहे हैं संबोधि प्राप्ति की सिद्धार्थ गौतम की यात्रा। अब सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध है। उन्होंने पदार्थ जगत का परम ज्ञान प्राप्त किया है। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद तथागत ने विचार किया, किसे धम्म का उपदेश दूं? उनके मन में अपने 5 सहयोगियों का ख्याल आया, जो उनके कठोर तपश्चर्या त्यागने पर उन्हें छोड़कर चले गए थे। वे 5 सहयोगी मृगदाय वन अर्थात सारनाथ में थे। भगवान के सारनाथ आगमन के बाद भी उन सहयोगियों ने अभिवादन नहीं किया। तथागत के समीप आने पर वे बुद्धत्व की ऊर्जा से प्रभावित हुए। उन्हें अनायास आसन दिया। भगवान ने उन्हें 4 आर्य सत्य व मध्यम मार्ग की शिक्षा दी। जीवन में किसी भी प्रकार की अति से बचने की व दुख के कारण को जानने की सलाह दी। इस प्रकार सारनाथ के इसी स्थान पर विश्व पथ प्रदर्शक तथागत बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन किया। प्रकृति का अद्भुत संयोग कि 24 नवंबर 1956 को बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने इसी स्थान पर अपना अंतिम प्रवचन दिया है। प्रवचन में बाबा ने धम्म प्रसार तेजी से करने को कहा। शील का पालन, ध्यान की साधना व प्रज्ञा का विकास बौद्ध धम्म द्वारा संभव है। यह विश्व की उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली है। शील के पालन में हमें चित्त और शरीर को नियंत्रित कर 5 इंद्रियों की रखवाली करनी पड़ती है। ध्यान का अर्थ है सजग चित्त से अनासक्त भाव से मन में उठने वाले हर भाव को देखते रहना और चित्त को सतत निर्मल करना। मूल गंधक कुटी प्रायः भगवान बुद्ध के निवास स्थान को बोला जाता है। यहां पर भगवान बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन पश्चात समय व्यतीत किया था। मूल गंधक कुटी के पश्चिम की ओर सम्राट अशोक कालीन प्रस्तर अशोक स्तंभ है। ये किसी समय लगभग 15.25 मीटर ऊंचा और सिंहशीर अर्थात सिरे पर सिंह प्रतिमा वाला था। स्तंभ पर 3 अभिलेख खुदे हैं। इसके अलावा कलात्मक सिंह शीर्ष, बोधिसत्व प्रतिमा व धम्म चक्र प्रवर्तन वाली मुद्रा भी यहां है। तथागत बुद्ध को प्रकृति से गहरा लगाव था। बुद्ध काल में पशु पक्षी निर्भय होकर विचरण करते थे। एक बार बुद्ध को वानरों ने मधु भेंट दी थी। जब किसी व्यक्ति में करुणा भाव का उदय होता है तो जंगली पशु भी हिंसा भाव त्याग कर उसके संपर्क में आते हैं। बुद्ध के ध्यान मार्ग की यह मौलिक विशेषता है। मूल गंध कुटी के पास ही यह मृगदाय अभ्यारण्य है। यहां हिरण स्वच्छंद विचरण करते हैं। सारनाथ में धम्म चक्र प्रवर्तन के बाद यहां बनारस के लोग धम्म में दीक्षित हुए।
बनारस के काश्यप परिवार ने बुद्ध धर्म का प्रसार किया। बनारस बौद्ध प्रसार का प्रमुख केंद्र है। बनारस में जहां जहां भगवान बुद्ध ने धम्म देशना दी, वहां वहां बुद्ध स्मारक बनाए गए हैं। पटना से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में यह बौद्ध तीर्थ स्थल है। इसे राजगीर के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में यह भारत के प्रसिद्ध 16 जनपदों में से एक था। तब इसे राजगृह के नाम से पहचाना जाता था। यहां पारंपरिक रूप से मुख्य पहाड़ियां 5 हैं। यहां मगध वंश का शासन था। राजा बिंबिसार यहां के शक्तिशाली बौद्ध राजा थे। भगवान बुद्ध ने अनेक बार यहां महत्वपूर्ण प्रवचन दिए। सारिपुत्र व मोग्गलायन इसी क्षेत्र के रहने वाले थे। राज परिवार चिकित्सक जीवक ने आम्रवन बुद्ध को भेंट किया था। भगवान के चचेरे भाई देवदत्त के भगवान पर घातक हमलों का स्थान भी यही है। यहीं पर प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। देवदत्त के बहकाने पर राजा बिंबिसार के पुत्र अजात शत्रु ने उन्हें बंदी बना दिया। यह वह स्थान है जहां राजा बिंबिसार को कारागृह में रखा गया था। राजा बिंबिसार को भगवान बुद्ध चाहते थे। वे उनके बचपन के मित्र थे। राजा बिंबिसार ने ही वेणु वन का निर्माण भगवान के विहार के लिए किया। एक नाई द्वारा अजात शत्रु ने पिता बिंबिसार को मरवाया। राजा बिंबिसार ने प्रसन्नता पूर्वक मृत्यु का स्वीकार किया। उसके बाद अजात शत्रु को भी उसके पुत्र उदय ने मारा। तत्पश्चात उदय के पुत्र महामुंड ने उदय को मारा। पितृ हत्या का पाप इसी जन्म में सबने भोगा। लिच्छवियों ने जब भगवान को प्रवचन के लिए आमंत्रित किया तो भगवान को कष्ट ना हो इसलिए राजगृह से गंगा तट की सड़क का निर्माण राजा बिंबिसार ने किया। अब इस पथ को बिंबिसार मार्ग के नाम से जाना जाता है। तथागत के चचेरे भाई देवदत्त में भिक्षु बनते वक्त सिद्धार्थ गौतम जैसी प्रतिष्ठा पाने की लालसा थी। अपनी महत्वाकांक्षा में असफल होने पर उसके हृदय में घृणा व तिरस्कार ने जन्म लिया। देवदत्त ने गृध्रकूट पर्वत की ढलान से इसी पत्थर को तथागत पर लुढ़काया था, मगर तथागत के पांव की अंगुली को मामूली चोट पहुंचाकर यह पत्थर लुढ़क गया। बुद्धकालीन मगध के राजगृह के समीप नालक ग्राम है। यह सारिपुत्र का गांव है। यहीं पर सारिपुत्र ने जन्म लिया और उनका महानिर्वाण भी यहीं हुआ। अपने कायिक वाचिक मानसिक कर्म से परिशुद्ध सारिपुत्र भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। महाप्रज्ञा में अधिष्ठित सारिपुत्र ने भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार किया। तथागत बुद्ध के जीवन काल में ही सारिपुत्र का कार्तिक पूर्णिमा को परिनिर्वाण हुआ। यही वह स्थल है जो अब हमें सारिपुत्र की याद दिलाता है। राजगीर के स्थान को नया राजगृह कहते हैं। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार राजा अजात शत्रु ने इसका निर्माण कराया था। वर्तमान में इसके भग्नावशेष देखने को मिलते हैं। सरस्वती नदी के पार पश्चिम में यह एक ऊंचा टीला है। सम्राट अशोक ने यहां स्मारक बनवाया था। पश्चिमी भाग की 3 मीटर तक खुदाई करने पर यहां मौर्य शैली की ईंटें व लघु स्तूप मिले हैं। राजगीर के वैभार पहाड़ी की तलहटी में गर्म जल का यह तालाब है। इसे करंड ताल कहते हैं। राजा बिंबिसार ने इस स्थल को भगवान बुद्ध को भेंट किया था। इसे वेणु वन विहार कहते हैं। यहां खुदाई में 1 कक्ष की नींव व 9 स्तूपों के आधार प्राप्त हुए थे। यहां बुद्ध काल में
छोटा उद्यान था। वैभार पहाड़ी की पूर्वी ढलान पर यह स्थान स्थित है। इसे पीपल गुहा कहते हैं। यहां भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य महाकाश्यप निवास करते थे। वे प्रथम संगीति के अध्यक्ष थे। सप्तकर्णी गुफाओं के सामने की इस जगह पर प्रथम धम्म संगीति हुई थी। यह 3 महीने तक चली। 500 वरिष्ठ भिक्षु इसमें सहभागी थे। इसका आकार लगभग 36.5 मीटर लंबा व पूर्व की ओर 10.3 मीटर चौड़ा है। इस स्थान पर धम्म विनय संबंधी वचन व त्रिपिटक का संकलन हुआ। गृध्रकूट की ओर आने पर छटागिरी पहाड़ी के आधार की ओर यह जीवक आम्र वन विहार है। राजा बिंबिसार के राज चिकित्सक ने यह आम्र वन बुद्ध संघ को दिया था। यहीं पर एक विहार का निर्माण हुआ था। अब यहां उपकक्षों की नींवें और 4 दीवारी दिखाई देती है। भगवान बुद्ध के प्रति अपनी असीम श्रद्धा व्यक्त करने के लिए राजगीर की पहाड़ी पर जापान द्वारा निर्मित भव्य शांति स्तूप है। इस आधुनिक बौद्ध विहार में जापानी व भारतीय बौद्ध कला का संगम व समन्वय प्रस्तुत किया गया है। विहार का प्रवेश द्वार प्राचीन राजगीर के बौद्ध वैभव व शिल्प कला की याद दिलाता है। वैभार पहाड़ी के दक्षिणी कोने पर स्थित इन गुफाओं को सोन भंडार गुफाएं कहा जाता है। कहा जाता है यहां पर मगध राज्य का स्वर्ण तथा राजकोष कड़ी सुरक्षा में रखा जाता था। मुख्य मार्ग से दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चलने पर 4 दीवारी में ईंटों का यह प्राचीन भवन दिखाई देता है। इसे मनिहार मठ कहते हैं। यह बुद्ध काल में भिक्षु निवास था। यह नाग जाति के लोगों का पूजा स्थल था। उत्खनन के दरमियान यहां अनेक प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। 8 जनपदों के अर्थात अट्ठकुल के संयुक्त वज्जी गणसंघ की राजधानी वैशाली थी। वैशाली का राजधानी स्थल 3 परतों की दीवारों से घिरा था। लिच्छवी राज्यकाल में सहिष्णुता व भाईचारे के कारण बौद्ध धर्म का काफी प्रसार हुआ। वैशाली को विश्व की प्रथम गणराज्य की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। वैशाली भगवान बुद्ध की प्रिय नगरी थी। राजगृह जाते या लौटते समय भगवान बुद्ध यहीं रुकते थे। यहां की कुटागार शाला में उन्होंने अनेक उपदेश दिए। यहां बहुपुत्र चैत्य, चौपाल चैत्य व महावन कुटागार शाला में वे निवास करते थे। वैशाली में अकाल के दौरान रतन सुत्त का पाठ कर अकाल स्थिति में तथागत ने सुधार लाया था। यहीं पर बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई थी। वैशाली के 8 फुट ऊंचे व लगभग 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में फैले टीले को राजा विशाल का गढ़ कहते हैं। यहां वज्जी गणराज्य का सभागार था, जहां 770 प्रतिनिधि एकत्र होकर राज्य प्रशासन पर विचार करते थे। टीले के लगभग 3.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में यह अशोक स्तंभ स्थित है। इसके शीर्ष पर सिंह की प्रतिमा विराजमान है। अशोक स्तंभ के दक्षिण की ओर प्राचीन तालाब है। इसे आजकल रामकुंड के नाम से जाना जाता है। इसके किनारे सम्राट अशोक ने स्तंभ व स्तूप बनवाए थे। राजा विशालगढ़ के टीले से 2.5 किलोमीटर पर यह स्तूप है। इसका व्यास 25 फुट था। इसे लिच्छवी स्तूप कहते हैं। भदंत सब्बकामी की अध्यक्षता में वैशाली के स्थान पर द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। इस संगीति में 700 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था।
कंठस्थ बौद्ध ग्रंथों की शुद्धता तथा सुरक्षा के लिए दूसरी संगीति के 125 वर्ष बाद तीसरी संगीति सम्राट अशोक के समय पटना में हुई थी। वैशाली की प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली के निवास का यह प्राचीन स्थल है। आम्रपाली ने भगवान व भिक्षु संघ को 45वें वर्षावास के दरमियान भोजन दान के लिए आमंत्रित किया था। आम्रपाली धम्म की शरण में आई और उसने यही आम्रवन संघ को दान में दिया। वैशाली में ही भगवान बुद्ध ने घोषणा की थी कि वे ठीक 3 महीने बाद महानिर्वाण प्राप्त करेंगे। बुद्ध पहले धर्म संस्थापक हैं जिन्होंने महिलाओं के संघ प्रवेश को स्वीकार किया और कहा कि पुरुष की तरह वे भी विनय में प्रवज्जित होकर अरहत पद को प्राप्त कर सकती हैं। अरहत पद पर सिर्फ पुरुषों का ही नहीं अपितु स्त्रियों का भी अधिकार है। बुद्ध काल में महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार किया जाता था। सुजाता, पटाचारा, भद्रा, कुंडलकेशा, बुद्ध की सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी, माता यशोधरा, धम्मदिन्ना, किसा गौतमी इत्यादि महिलाएं प्रवज्जित होकर संघ में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकी थी। सभी जातियों की महिलाओं व पुरुषों के लिए बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति थी। बौद्ध संघ ने नारी समानता का नया अध्याय भारत के इतिहास में लिखा। प्राचीन भारत के श्रावस्ती नगर को आज सहेत महेत के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के गोंडा व बहराइच जिले के मध्य में स्थित है। सहेत में प्रसिद्ध बौद्ध विहार जेतवन है। यह स्थान अनाथ पिंडक ने भगवान बुद्ध को भेंट दिया था। महेत प्राचीन श्रावस्ती नगर है। अपने जीवन के 45 में से 25 वर्षावास भगवान ने यहां बिताए हैं। विनय पिटक, त्रिपिटक व मज्जिम निकाय में संग्रहित सर्वाधिक उपदेश भगवान ने यहां दिए। यह जैनों के 24वें तीर्थंकर का भी कार्यस्थल था। इस स्थान को जेतवन विहार कहते हैं। यह विहार जेतवन की बड़ी इमारतों में से एक है। इसके प्रांगण में एक स्तूप व कुआं है। भिक्षुओं के लिए 21 कक्ष हैं। दीवारें गुप्त शैली की हैं। यहां पर बुद्ध की व भावी बुद्ध मैत्रेय की प्रतिमा उत्कीर्ण है। इसके आगे प्राचीन काल में निर्मित 8 स्तूपों के अवशेष देखने को मिलते हैं। जेतवन के उत्तर की ओर महेत में ये प्राचीन श्रावस्ती नगर के खंडहर हैं। नगर के चारों ओर 4 दीवारी व प्रवेश द्वार है। इस स्थान पर अब स्तूपों के अवशेष दिखाई पड़ते हैं। बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, यह देशना देकर अंगुली माल के क्रोध को तथागत ने शांत किया। यह अंगुली माल नामक डाकू तत्कालीन कौशल नरेश के राज्य में जालिनी नाम के जंगल में रहता था। उन दिनों भगवान बुद्ध अनाथ पिंडक के जेतवना राम श्रावस्ती में विहार करते थे। एक बार भगवान वहीं से प्रस्थान करने लगे जहां अंगुली माल रहता था। अब तक 999 लोगों की जान लेकर उनकी अंगुली की माला पहनने वाला अंगुली माल 1000वीं जान की तलाश में था। भगवान को देखते ही अंगुली माल चिल्लाया, रुको। भगवान ने कहा, मैं तो कब का रुक गया हूं, तू भी पाप कर्म करने से रुक जा। भगवान की करुणा व निर्भयता का अंगुली माल पर प्रभाव पड़ा और वह संघ में प्रवज्जित हुआ। यही वह स्थान है जहां भिक्षु होने के बाद अंगुली माल निवास करता था। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले का ये छोटा गांव संकिस्सा गांव के नाम से जाना जाता है।
बुद्ध काल में संकिस्सा का नाम सांकास्य था। सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध की याद में यहां स्मारक बनवाया था। चीनी यात्री फाहयान ने यहां अनेक स्तूप व विहार देखे थे। यहां उच्च कोटि की शिल्प कला से निर्मित एक विहार था। सातवीं शताब्दी तक यह स्थान बौद्ध धम्म प्रसार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। यहां से प्राप्त मूर्तियां, सीलें, मणिका व सिक्के लखनऊ व कलकत्ता के राज्य संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। यह वह स्थल है जिसके कारण भारतवर्ष की प्रसिद्धि सारे विश्व में फैली थी। यहां ज्ञान के साथ अनेक कलाओं में विद्यार्थी को ध्यान साधना के साथ कुशल बनाया जाता था। देश विदेश के विद्यार्थी यहां पढ़ने के लिए आते थे। इसे प्राचीन काल में नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। यह स्थल वर्तमान राजगीर से 10 किलोमीटर दूरी पर बिहार में है। यहां के पारिवारिक आम्र वन में बुद्ध निवास करते थे। यहां के विद्यार्थी व अध्यापक विश्व प्रसिद्ध थे। वजह, ज्ञान के सूक्ष्म तत्व, गूढ़तम रहस्य व मानव जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए बना व्यावहारिक अभ्यास क्रम। प्रसिद्ध महायान विद्वान नागार्जुन यहां के प्रमुख आचार्य रहे हैं। उस जमाने में अन्य जगह पर सिर्फ ऊंची जाति वालों को शिक्षा मिलती थी। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय ने सभी जातियों के लिए शिक्षा के द्वार खुले किए थे। यह जो अवशेष है, यहां कभी 6 मंजिला अध्ययन अध्यापन कक्ष थे। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन का संरक्षण नालंदा को प्राप्त था। चीन के युवान श्वांग ने यहीं शिक्षा ग्रहण की थी। अब नालंदा के खंडहर दक्षिण से उत्तर की ओर फैले हैं। विहारों की संख्या 11 है। ये सभी भवन प्राकृतिक प्रकाश से आलोकित रहते थे। नालंदा व तक्षशिला विश्वविद्यालय की तत्कालीन विश्व प्रसिद्धि से प्रेरणा लेकर भारत के वर्तमान बौद्ध भी ऐसे अनुपम विश्वविद्यालय की स्थापना करें, ऐसी आशा हम करते हैं। भगवान के जीवन काल में कौशाम्बी भारतवर्ष के महत्वपूर्ण नगरों में से एक था। यह वत्स राज्य की राजधानी थी। यमुना नदी के तट पर होने के कारण इसका व्यापारिक महत्व था। कौशाम्बी में भगवान बुद्ध का अनेक बार आगमन हुआ। यहां कुक्कुटाराम, पावारिकाराम आदि प्रसिद्ध विहार थे। यहां सम्राट अशोक ने अपने लेखों को उत्कीर्ण करवाया था। प्राचीन काल में इसका घेरा 6 किलोमीटर था। यहां के उत्खनन में अब तक महत्वपूर्ण मूर्तियां, कलाकृतियां, स्तंभ, सिक्के प्राप्त हुए हैं जो अलाहाबाद म्यूजियम में संग्रहित हैं। हिमालय की तराई में देवरिया जिले के कसिया नामक कस्बे से लगभग 3.52 किलोमीटर पर कुशीनगर है। यहीं भगवान बुद्ध का पूर्ण सजग व सचेतन अवस्था में महानिर्वाण हुआ था। भगवान अब 80 वर्ष की परिपक्व अवस्था तक पहुंचे थे। उस अवस्था में भी वे भिक्षाटन व धम्म प्रसार के लिए जाते थे। वैशाली के चापाल चैत्य में अपने महापरिनिर्वाण की भविष्यवाणी भगवान ने की थी। अब 3 महीने पश्चात हिरण्यवती नदी के दूसरे तट पर कुशीनगर के मल्लों के शाल वन में तथागत ने निर्वाण अर्थात देह त्याग की इच्छा जाहिर की और आनंद को आवश्यक प्रबंध के निर्देश दिए। कुशीनगर आगमन के बाद 2 शाल वृक्षों के नीचे मंचक पर वे सिंहशैया में दाहिने करवट लेट गए। उनके शरीर की अंत्येष्टि के बारे में आनंद ने पूछने पर शरीर की ज्यादा चिंता करने की बजाय सत्य के लिए प्रयत्न करने की बात कही तथा गंधयुक्त काष्ठ चिता में शरीर को अग्नि देने के पश्चात अस्थि पर स्तूप बनाने की प्रथा के बारे में जानकारी दी। अपने ही मृत्यु संस्कार के लिए
शांत स्वर में निर्देश देते हुए तथागत को देखकर आनंद दूर जाकर फूट फूट कर रोने लगे। आनंद की मानसिक अवस्था जानकर तथागत ने उन्हें भिक्षु द्वारा वापस बुलाया और कहा, शोक मत करो, जिसका निर्माण होता है वह नष्ट होता है, शरीर को नष्ट होना ही है। आनंद, कुशीनगर के मल्लों से जाकर कहो, आज तथागत का परिनिर्वाण होगा। कुशीनगर के मल्ल नागरिक किसी अधिवेशन के लिए सभागार में थे। वहां पर आनंद ने भगवान के महानिर्वाण की जानकारी दी, बताया कि भगवान आज रात्रि के अंतिम प्रहर में निर्वाण प्राप्त करेंगे। ये सुनते ही मल्ल नागरिक महिलाएं अत्यंत दुखित हुईं, वे विलाप करने लगे। दुखी मन से बुद्ध के दर्शन के लिए मल्ल जन समूह मार्गस्थ हुआ। सभी बारी बारी से उनके दर्शन करने लगे। उन्हीं में से एक परिव्राजक सुभद्र को धम्म विषयक शंका का समाधान भगवान से प्राप्त करना था। अपनी इच्छा सुभद्र ने आनंद के पास व्यक्त की। निर्वाण के समीप पहुंच रहे तथागत को अधिक कष्ट देने से आनंद ने रोका। सुभद्र के शब्द बुद्ध ने सुनने पर सुभद्र को पास आने को कहा। सुभद्र को आष्टांगिक मार्ग के महत्व के बारे में समझाया। सुभद्र के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देने के पश्चात उसे संघ में प्रवज्जित करने को कहा। तत्पश्चात भिक्षु संघ को 3 बार भगवान ने धम्म मार्ग की कोई शंका हो तो पूछने को कहा। भिक्षुओं के मौन रहने पर सभी संस्कार अनित्य हैं, अप्रमाद के साथ जीवन व्यतीत करो, ये अंतिम वाक्य कहे। अब सम्यक संबुद्ध ने अपनी आंखें मूंद ली। प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ ध्यान की अवस्था तक पहुंचे। आकाश नंत्यायन, विज्ञान नंत्यायन, अकिंच न्यायतन, नैव संज्ञाना संज्ञायन अवस्था को प्राप्त किया। अंत में संज्ञा वेदेत निरोध को प्राप्त करने के बाद वैशाख पूर्णिमा को तथागत का महानिर्वाण हुआ। भीषण गड़गड़ाहट के साथ पृथ्वी हिले, उपासकों के करुण क्रंदन की ध्वनि तेज होने लगी। मल्ल नागरिकों ने अंत्येष्टि का प्रबंध किया। बुद्ध काया के समक्ष सूत्रों का पाठ होने लगा। 6 दिन व 6 रात तक कुशीनगर व समीप के नागरिक बुद्ध काया के दर्शन करते रहे। 7वें दिन मल्लवंश के प्रमुख पदाधिकारियों ने निर्वाण यात्रा रामाभार के टीले तक निकाली। अंतिम संस्कार के पहले भगवान के शिष्य भंते महाकश्यप 500 भिक्षुओं के साथ पहुंचे। भंते महाकाश्यप ने चिता की 3 बार परिक्रमा की। 500 भंते के साथ बुद्ध को अंतिम बार वंदन किया। चिता की अग्नि शांत होने पर सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। काया की अस्थियां व भस्म स्वर्ण कलशों में रखे गए। भगवान के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया। मगध राज्य के राजगृह, लिच्छवी राज्य के वैशाली, शाक्य राज्य के कपिलवस्तु, बुली राज्य के वेठदी और मल्ल राज्य के प्रतिनिधियों ने कुशीनारा व पावा में स्तूप बनाए। ब्रह्मांड के सार्वकालिक सत्य का यथाभूत दर्शन पाकर सम्यक संबुद्ध महाकारुणिक बुद्ध ने भारतीय समाज, धर्म व अध्यात्म पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। एक परिशुद्ध वैज्ञानिक आधार का धम्म जगत को दिया। आधुनिक भारत के प्रज्ञा पुरुष डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर 30 नवंबर 1956 को कुशीनगर पधारे थे। यहां तथागत के परिनिर्वाण स्थल के पास उन्होंने कहा था कि सम्यक संबुद्ध ने कितनी शांत जगह का चुनाव महापरिनिर्वाण के लिए किया है। काश मुझे भी इस जगह देह त्याग का अवसर प्राप्त होता तो कितना अच्छा था। बाबा की इच्छा का सम्मान करते हुए उनके महाराष्ट्र के अनुयायियों ने बाबा के अस्थि कलश पर कुशीनगर के 2 दृश्य चित्रित किए। भगवान के महापरिनिर्वाण के स्मारक के रूप में यह 2.74 मीटर ऊंचा स्तूप बनाया गया है। 1927 में बर्मा सरकार द्वारा इसका पुनरुद्धार किया गया। यह चैत्य भी चबूतरे पर बना है।
भगवान की महापरिनिर्वाण की अवस्था में स्थित यह 6.1 मीटर लंबी मूर्ति चुनार के लाल बलुआ पत्थर के एक खंड से निर्मित है। भगवान महानिर्वाण शैया पर दाहिने करवट लेटे हुए हैं। दक्षिण की तरफ लगभग 7वीं शताब्दी में निर्मित छोटे छोटे स्तूप हैं। कुछ मौर्य काल के स्मारक हैं। निर्वाण स्तूप से दक्षिण पश्चिम की तरफ थोड़ी दूर बुद्ध की विशाल प्रतिमा का नाम माथा कुंवर स्मारक है। यह प्रतिमा 3 मीटर ऊंची नीले प्रस्तर खंड से निर्मित है। माथा कुंवर स्मारक से 1.5 किलोमीटर दूरी पर यह टीला है, जिसका व्यास 47 मीटर है। यह मुख्य स्तूप से दुगने आकार का है। यहीं भगवान बुद्ध की चंदन की चिता पर अंत्येष्टि हुई थी। इसे रामाभार टीला कहते हैं। तृतीय शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर तृतीय शताब्दी ईस्वी तक के समय में बौद्ध कला और संस्कृति का तेजी से विकास हुआ। अनेक स्तूप और चैत्य बनाए गए। बुद्ध के शारीरिक, उद्देशिक व पारिभोगिक धातुओं पर जो स्मारक बनाए जाते हैं उन्हें स्तूप कहते हैं। बुद्ध के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर मैं अपना व प्रजाजनों का मंगल कर सकता हूं, इस सार्वकालिक सत्य को मानकर सम्राट अशोक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ सम्राट होने का गौरव प्राप्त किया। सम्राट अशोक ने बौद्ध विद्वानों की सहायता से भारत व विश्व में धम्म फैलाया। मुख्यतः सारे एशिया में धम्म का प्रकाश फैला। बुद्ध की देशनानुसार राज्य प्रशासन करने पर उनकी प्रगति हुई। यही कारण है कि प्रत्येक बौद्ध स्थल पर जापान, श्रीलंका, बर्मा आदि देशों के विहार दिखाई देते हैं। सम्राट अशोक के निर्वाण के बाद बुद्ध धम्म को राजाश्रय नहीं मिला। ब्राह्मणवाद के आक्रमण ने फिर से देश को छुआछूत, जातपात व गैर बराबरी की गर्त में धकेल दिया। वर्णवाद व जातीयवाद ने इंसान को इंसान से जुदा कर दिया। ऐसे में पुनश्च भारतवर्ष में बुद्ध धम्म के पुनरागमन की आवश्यकता थी। इस पावन कार्य को इस सदी के युगंधर प्रज्ञा पुरुष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा किया और 14 अक्टूबर 1956 को लाखों अनुयायियों के साथ दीक्षा भूमि नागपुर में बुद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण की। नागपुर नागवंश का निवास स्थल होने के साथ साथ भारत का मध्यवर्ती केंद्र है। बाबा साहब ने कहा कि हिंदू कहकर पैदा होना मेरे बस में नहीं था, मगर हिंदू रहकर मैं मरूंगा नहीं, यह मेरे बस की बात है। सामाजिक परिवर्तन, समानता, बंधुत्व व भाईचारे की पुनर्स्थापना के लिए बाबा ने बुद्ध धम्म की शरण ली। अब दीक्षा भूमि पर लाखों बुद्धानुयायी प्रेरणा प्राप्त करने आते हैं और इस संकल्प के साथ जाते हैं कि हम भारत को बौद्धमय करेंगे।